हमारा एहतजाज आज इसलिए है कि हमें पंचों सरपंचों और काउंसलरों के हवाले किया जा रहा है, जबकि हमारा एक डिपार्टमेंट है ICDS जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चलाता है। ये स्कीम 1975 से चालू हो गई है, तब से आज तक हर एक वर्कर, हर एक सुपरवाइजर, हर एक CDPO, हर एक कमिश्नर, हर एक डायरेक्टर बड़े खश असलूबी से अपना काम अंजाम देते थे। जैसे हमें काम सौंपा गया है वो हम अच्छे से, बहुत अच्छे से करते थे। इस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नर साहब को क्या सूझी है कि उन्होंने सोचा है कि इनको काउंसलरों और पंचायतों के हवाले किया जाएगा, और हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो पे है वो उनके खाते में जमा करेंगे तो वो हमें देख रेख करेंगे, उसके बाद वो हमारी पे निकालेंगे, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। काम एक करेगा सैलरी उसकी दूसरी जेब में जाएगा, ये कौन सा कानून है? हमें बताए जो हमारे CDPO है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है, सुपरवाइजर्स, क्या वो चोर है या अनपढ़ है? हमें बताए वो क्या है जिनसे ये छीना गया है, उनसे क्यों छीना गया है ये? हम आधार भी बनाते हैं, हमारी लड़कियां जो है वो आधार कार्ड भी बनाती है और पुलिस पुलिस ड्यूटी भी देती है, इलेक्शन ड्यूटी भी देती है। इलेक्शन ड्यूटी वहाँ देती है जहाँ हमें इज्जत भी नहीं होता है, और उसके बरक्स जो हमारे जो दूसरे मुलाजिम हैं उनको पैसे भी देते हैं 10,000 5,000, मगर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर उनको क्या मिलता है? 150 रुपये या 400 रुपये, जबकि बाकी स्टेट में अलग 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 स्टेट है कि कोई स्टेट 10,000 देते हैं, कोई 6,000, कोई 8,000, कोई 9,000, कोई 12,000, कोई इवन 14,000 तक देती हैं अपने स्टेट। हाँ, हमारे जो J&K स्टेट है वो सिर्फ हमें 600 रुपये देती है, और वो भी हमें टाइम पर नहीं मिलता है। हमारी पहले ही डिमांड है कि हमें बहुत मतलब सैलरी कम मिलती है, वो भी टाइम पर नहीं देती। आप गवर्नमेंट ने हमें दूसरा मुसीबत सर पर डाला है। हिंदुस्तान में 23 या 22 स्टेटें हैं जिनमें अच्छे से आंगनवाड़ी वर्कर अपना काम करते हैं, मगर हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त सिर्फ जम्मू कश्मीर को क्यों ही ये स्कीम लागू की गई है कि इनको पंजों के हवाले किया जाए। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं अगर हमें सब कामों पर डालते हैं, मगर थोड़ा सा मेहरबानी करके हमें भी कोई इज्जत रखो, क्योंकि हम भी आपकी बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं, आपकी माएँ हैं, मगर हमारा इज्जत किसी भी जगह नहीं होता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, पुरजोर अपील करना, आपकी वसादत से हम उसे पुरजोर अपील करना चाहते हैं कि आप हमारी ये जो इस वक्त आपने ज़्यादा हमें मुसीबत डाला है कि आपने सरपंच और पंचों के हवाले कर दिया, मेहरबानी करके ये ऑर्डर वापस ले लो। जब तक ये आर्डर वापस नहीं लिया जाएगा हम तब तक काम नहीं करेंगे। हम काम क्यों करेंगे? काम हम करेंगे, हमारी सैलरी किसी और के अकाउंट में जाएंगे, कौन सा तरीका है?